हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इम्यूनिटी या फिर इम्यूनोलॉजी बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के तौर पर आता है और बीएससी की और एमएससी की क्लासेज में भी ये एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज के इस वीडियो में हम इम्यूनिटी और उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो के अंत में आप जान सकेंगे कि इम्यूनिटी किस किस आधार पर किस प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है। ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स अलग अलग प्रकार की जो इम्यूनिटी, जिसे हम क्लासिफिकेशन में अभी आगे अपन पढ़ेंगे, उसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद में आपको उसके बाद में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप तमाम तरह का जो क्लासिफिकेशन है या जो टाइप्स हैं उनको एक दूसरे से इंटर रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम इसे इंटर रिलेट नहीं कर पाते। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। चलिए देखिए, इम्यूनिटी को बहुत सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। मैं पहले टाइप्स के बारे में चर्चा करूँगा, फिर एक एक करके उनके पास डिटेल डिस्कस करूँगा। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन जो इम्यूनिटी का किया जा सकता है वो हो सकता है इननेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसे हम समझते हैं। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जिसे हम कहते हैं जन्मजात, यानी हमारे शरीर में जन्म से ही प्रेजेंट जो इम्यूनिटी है उसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम जन्म से प्राप्त करते हैं। जन्म होने के बाद जो इम्यूनिटी हमें बाद में जिंदा रहने के दौरान जो हम प्राप्त करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से, कि चाहे वो टीका लगाकर हो, चाहे वातावरण से बैक्टीरियाज के वायरस के संपर्क में आने से हो, वो सारी इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं, बाद में प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड चूंकि एक्वायर हम इसलिए करते हैं बिकॉज बाद में जब हम बाहर पैदा होने के बाद, जब पूरे सिस्टम में जब जिंदा रहते हैं उसके बाद में हम अडेप्ट होने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए ये जो इम्यूनिटी जिसे हम एक्वायर करते हैं ये वास्तव में अडेप्टेशन से आती है, इसलिए इसे हम इसे अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे। दूसरी तरह का क्लासिफिकेशन जो संभव है इम्यूनिटी का क्लासिफिकेशन करने के लिए वो हो सकता है ये कि इम्यूनिटी एक होती है पैसिव इम्यूनिटी और दूसरी तरफ इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी से मेरा तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऐसी कोई भी इम्यूनिटी जिसमें हमें इम्यूनिटी मिले लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को कोई काम नहीं करना पड़े, आराम से कोई काम किए बिना, यानी विदाउट एक्टिवेशन, यानी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हुआ है। एक्टिवेट नहीं होने का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को न तो एंटीजन मिली है, और अगर एंटीजन नहीं मिली है तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, यानी रेडीमेड अगर हम उसे एंटीबॉडी दे दें तो ये पैसिव हो जाएगी बिकॉज उसको एंटीजन नहीं दी गई। अगर एंटीजन दी गई होती तो एंटीजन मिलता, एंटीजन के खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाता, ऐसे में हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता, लेकिन चूंकि इस बार अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ है और सीधे सीधे आपने एंटीबॉडी दे दी है तो इसे हम बोलेंगे पैसिव एंटीबॉडी। इसके विपरीत जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी में हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को जोर आता है, हमारे इम्यून सिस्टम का इम्यूनोजेनिक एक्टिवेशन होता है, इसलिए इसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक और जो क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी का जनरली किया जाता है वो होता है नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ये कुछ शब्द हैं जो आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, आपको ये शब्द क्लियर होने चाहिए, बाकी आप एक बार जब समझ जाएंगे सारी चीजों को एक दूसरे से इंटर रिलेट कर पाएंगे। नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमें नेचुरली मिले, उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़े। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़े, जैसे अभी अगर करंट प्रॉस्पेक्ट में बात करें तो जैसे मैं समझूं कि मैं कहीं इधर उधर घूम रहा हूं और मेरी बॉडी में कोरोना हुआ और मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने जब टेस्ट कराया तो पता चला मेरी ब्लड में एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो ये किससे हुआ? कोरोना के एक्सपोजर से हुआ, लेकिन मैंने कोई टीकाकरण, कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया, नेचुरली मिला, यानी नेचुरली एक्सपोज होने से जब कोई चीज़ मिले, बैक्टीरियाज नेचुरली जब हमें जब मिले इन्फेक्शन के थ्रू या फिर कैसे भी, तो उसे हम नेचुरल बोलते हैं। इसके विपरीत अगर मैं वैक्सीनेशन करवाऊँ किसी चीज़ का तो मुझे क्या होगा, इससे ये जो इम्यूनिटी होगी वो होगी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, प्राकृतिक
प्राकृतिक रूप से मिले, अप्राकृतिक कृत्रिम हमें मैनमेड प्रोसेस से में लगानी पड़ेगी। इसके अलावा एक और इम्यूनिटी जनरली जो बोल सकते हैं वो होती है स्पेसिफिक और दूसरी है जनरल या नॉन स्पेसिफिक। जनरल या नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब कोई भी इस तरह की इम्यूनिटी जिसमें इम्यूनिटी किसी एक विशेष पैथोजन के खिलाफ मिले तो उसे हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरक्षा या नेचुरल सॉरी स्पेसिफिक प्रतिरक्षा। और सारे ही या फिर बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ अगर हमें सुरक्षा मिले प्रतिरक्षा मिले तो उसे हम बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे मैं ये कहूँ कि हमारी जो स्किन है हमारी बॉडी में तमाम तरह के पैथोजेंस की एंट्री को ब्रेक करती है, या फिर मैं कहूँ कि मेरे सलाइवा में या टीयर्स में जो डाइजेस्टिव जो लाइसोजाइम है ये तमाम तरह के बैक्टीरियाज या फिर वायरसेस को लाइज करते हैं, उन्हें मार डालते हैं और हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीजेंस के खिलाफ या पैथोजन के खिलाफ सुरक्षा देते हैं। तो चूंकि ऐसे में ये चाहे स्किन की बात हो चाहे वो हमने लार या फिर आंसुओं की बात करी हो, हमें ये जो इम्यूनिटी मिल रही है ये नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन किसी पर्टिकुलर एक पैथोजन को रोकती है दूसरे को आने देती है, हमारी स्किन हमारे को सभी प्रकार के पैथोजेंस के खिलाफ सुरक्षा दे रही है। तो ये जो सुरक्षा जो स्किन दे रही है ये नॉन स्पेसिफिक है, अविशिष्ट है, किसी को विशिष्टता से ट्रीट नहीं कर रही। इसी के अगेंस्ट अगर मैं कहूँ दूसरी तरफ कि अगर मुझे पोलियो का टीका लगा लिया है तो मुझे पोलियो के खिलाफ ही वैक्सीनेशन मिलेगी। अगर मैं करंट प्रोस्पेक्ट में बात करूँ कि अगर मेरे को मैंने अगर कोरोना का टीका लगाया है तो मुझे कोरोना के खिलाफ ही इम्यूनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं हेपेटाइटिस के खिलाफ इम्यून हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को आगे से पोलियो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को आगे चिकन पॉक्स नहीं होगा। चिकन पॉक्स का टीका लगाने पर चिकन पॉक्स के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी जो कि उसके लिए विशिष्ट होगी, कोरोना का टीका लगाने पर कोरोना के खिलाफ मिलेगी। इसी तरह से इस तरह की इम्यूनिटी को हम स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में बांट सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट मान लीजिए इसे आप, जो सबसे जो लास्ट है वो हम बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्यूलर इम्यूनिटी, अब देखिए ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा, ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमें इम्यूनिटी लिक्विड से प्राप्त होगी, ठीक है, लिक्विड, बिकॉज ह्यूमर का मतलब है लिक्विड, तरल, इसलिए हम इसे तरल प्रतिरक्षा कहते हैं, इसे हम बोलते हैं तरल। इसे हमने क्या बोला, विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरक्षा, इसे बोलते हैं प्राकृतिक, ठीक है, ह्यूमरल, और इसे बोलेंगे कोशिका मध्यवर्ती या फिर कोशिकीय इम्यूनिटी। यानी अगर हमारे शरीर में हमको किसी रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा हमारी अगर कोई इम्यून सेल दे तो वो सेलुलर इम्यूनिटी होगी, लेकिन अगर कोई इम्यून सेल नहीं दे करके हमें हमारी बॉडी इम्यूनिटी हमें बॉडी में किसी तरल के माध्यम से यानी एंटीबॉडीज के माध्यम से मिले तो वो होगी ह्यूमरल। तो इसमें एंटीबॉडीज करती हैं और इसमें क्या करती हैं, इम्यून सेल्स हमें हेल्प करती हैं। तो ये कुछ पांच तरह का क्लासिफिकेशन हुआ। अब आप कहेंगे कि आप पढ़े होंगे किसी में आपको दो तरह का ही पढ़ने को मिला है, किसी में तीन तरह का ही पढ़ने को मिला है, लेकिन ये जो पांचों यानी ये जो 10 टर्म्स हैं वो आपके सामने जरूर आएगी। अब हम इन 10 की 10 टर्म्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अब बात करूंगा इनेट इम्यूनिटी वर्सेज एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। चलिए अब हम जो हमने बात की है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में करते हैं। वैसे मोटा मोटी हमने समझ लिया है लेकिन थोड़ा सा और एक दूसरे को इंटररिलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए इनेट इम्यूनिटी जैसा कि मैंने कहा जन्म से जो हमें प्राप्त होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें जन्म के बाद मिलती है, यानी पैदा होने के बाद जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आएगी वो सारी एक्वायर्ड है, चाहे वो विभिन्न तरह के जब पैदा होने के बाद हमें बहुत सारे वैक्सीन्स लगाए गए, पैदा होते ही बहुत सारी टीके लगे हैं हमें, वैक्सीन्स लगे हैं, इसके अलावा हम जब जीवन यापन करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से बहुत सारे पैथोजेंस के संपर्क में आते हैं। तो जिंदा रहने के बाद यानी सॉरी पैदा होने के बाद जो इम्यूनिटी हमें बाद में मिली है उसे हम एक्वायर्ड या अडेप्टिव बोलते हैं और जो जन्म से ही हमें प्राप्त है उसे इनेट बोलते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, इनेट इम्यूनिटी जैसे कि आपकी
मदर ने, अगर मान लो आज के समय कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई कोरोना की वैक्सीन लगाती है, ठीक है, मान लीजिए वो जो वैक्सीन है उसकी उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाएंगी, और ये अगर एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू अगर फिटस को मिल जाए, बच्चे को मिल जाए, तो बच्चे ने जन्म होने से पहले ही ये कोरोना की एंटीबॉडी प्राप्त कर ली। क्यों किया? मदर के थ्रू किया, ठीक है, ठीक है, तो सीधे सीधे उसे एंटीबॉडी प्राप्त हो गई, ठीक है। इस एग्जाम्पल को याद रखिए, हम बार बार इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, हमने पैदा, ये तो हुआ पैदा होने से पहले ही, उसने बच्चे ने कोई एफर्ट किया नहीं, उसकी मदर प्रेग्नेंट थी, मदर को वैक्सीनेशन लगा, मदर को वैक्सीन भी लग सकता है, मदर को नेचुरली भी कोरोना हो सकता है, दोनों बात समझिए, मैं कोरोना के प्रोस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूँ, आपको जल्दी से समझ में आएगा। हो सकता है मदर ने वैक्सीनेशन कराया हो, उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी, हो सकता है कि मदर को कोरोना हो गया हो, ठीक हो गया हो बाद में, लेकिन इस इन्फेक्शन से उसके शरीर में कोरोना वायरस गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, तो दोनों ही कंडीशन में एंटीबॉडी उसके शरीर में बनी, मदर के शरीर में, अब चूंकि प्लेसेंटा के थ्रू फिटस में मिल गया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे जन्मजात इम्यूनिटी। दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? पैदा होने के बाद या तो इन्फेक्शन से या फिर हमने वैक्सीन के थ्रू लाई, तो हमने बाद में अर्न की इसे, बाद में प्राप्त की, बाद में एक्वायर की, इसे हम बोलेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा हमने बात की पैसिव वर्सेस एक्टिव इम्यूनिटी की, तो चलिए हम थोड़ा सा आगे इसमें और एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एक्टिव इननेट और एक्वायर्ड को थोड़ा सा डिटेल में और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक चार्ट है, हमने यहाँ पे इननेट में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, एक्वायर्ड को कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, इसे हम देखेंगे। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो हम इननेट और एक्वायर्ड को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, और अगर एक बार इननेट और एक्वायर्ड को हम ज़्यादा अच्छे से समझ गए तो बाकी जो चार टाइप्स हैं वो इसी का ही पार्ट है। मैंने पहले ही कहा कि हम केवल ये जो 10 अलग अलग तरह के शब्द हैं जिन्हें हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं, बाकी सब एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड है। चलिए, जैसे पहला पोर्शन है इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी मैंने कहा जन्मजात। अब जन्मजात किससे मिल सकती है? जन्म से ही मेरे शरीर पे स्किन है, तो हमारे शरीर के अंदर जो जितने भी एनाटॉमिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि स्किन हो गया, स्किन पे अगर कट लगेगा तो ही पैसा जम जाएगा, तो मेरी जो स्किन है, जितने भी एनाटॉमिकल बैरियर हैं, वो सारे के सारे तमाम तरह के पैथोजेंस को रोक कर मुझे जन्म से ही प्रतिरक्षा दे रहे हैं। जन्म से ही मेरे ब्लड में फैगोसाइटिक सेल्स हैं जो मुझे विभिन्न प्रतिरक्षियों, विभिन्न जो आपके ब्लड बॉन्ड जो डिजीजेज हैं या फिर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरस हैं, उनके खिलाफ भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ब्लड प्रोटीन्स हैं और साइटोकाइनिन्स है। ये चूंकि हमारे शरीर का सामान्य सुरक्षा तंत्र का सामान्य हिस्सा है, ये जन्म से ही हमें प्रतिरक्षा दे रहे हैं, इसलिए इनेट इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में होती है, सामान्यतः ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। एनाटॉमिकल बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर, फैगोसाइटिक बैरियर का मतलब फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक बैरियर्स का मतलब फैगोसाइटिक सेल्स। तो फैगोसाइटिक सेल्स क्या होती हैं? वो हमारे ब्लड में, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट घटक है फैगोसाइटिक सेल्स, जो सामने वाली जो पैथोजन है उनको पकड़ के खा जाती है, फैगोसाइटोसिस कर देती है। तो फैगोसाइटिक बैरियर भी हैं। ब्लड प्रोटीन, जैसे ब्लड प्रोटीन में क्या है, ब्लड प्रोटीन में इम्यूनोग्लोबिन हम पढ़ते हैं, इम्यूनोग्लोबिन मीन्स एंटीबॉडी, तो ब्लड प्रोटीन का हिस्सा है, बिकॉज इम्यूनोग्लोबिन इज ब्लड प्रोटीन। इसके अलावा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो विभिन्न प्रकार की इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, साइटोकाइनिन ये भी है। एनाटॉमिकल बैरियर में हमने बात की स्किन की, हम बात करते हैं कि हमारे मुंह, हमारे नाक से लेकर लंग्स तक क्या है, म्यूकस पाया जा रहा है, ये हमारे सारे पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता, पकड़ लेता है, यहीं बाहर भेज देता है, ठीक है। सेलाइवा की हम बात कर सकते हैं, टीयर्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जितनी भी ओपनिंग्स है उसमें सुरक्षा के लिए ये सारी चीज़ें, तो ये एनाटॉमिकल बैरियर, फेगोसाइटिक बैरियर, ब्लड प्रोटीन, साइटोकाइन, ये सारा इम्यून सिस्टम के अंदर इननेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखिए, एक्वायर्ड होते ही उसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक्वायर जो आपने की है, ठीक है, हमने पांच तो टर्म तो पहले ही जान लिए थे, अब जो एक्वायर आपने की है वो किस तरह से की है, इस आधार पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि एक्वायर्ड और इननेट के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन था वो पैसिव और एक्टिव था, तो यहाँ पे हम आते हैं एक्वायर्ड में सबसे पहले पैसिव और दूसरी है एक्टिव। चलिए, पैसिव और एक्टिव के बारे में बहुत एक फंडामेंटल तरीके से समझते हैं। जैसे फिर कोरोना का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एक और उदाहरण, दूसरा उदाहरण भी अपन बात करेंगे, फिर अपन एक कोरोना का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में जो
एंटीबॉडी है कोरोना का इन्फेक्शन होने से, आपको अगर कोरोना हो गया है, और आपको एक तो तरीका है कि आपको वैक्सीन लग गई तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, ये जो एंटीबॉडीज हैं वो जब आपकी बॉडी में कोरोना आएगा उसको नष्ट कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आपको इम्यून करने के लिए एक तरीका और हो सकता है कि आप किसी जो इम्यून जो ऐसा कोई बंदा जिसके ब्लड में एंटीबॉडी बन गई हो उसका ब्लड लें और उसमें से एंटीबॉडी सेपरेट करके एंटीबॉडीज निकाल लें, और ये एंटीबॉडी अगर आपकी बॉडी में सीधा सीधा इंजेक्ट कर दें, मान लो मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दें, तो क्या मेरे इम्यून सिस्टम को जरा सा भी जोर आया? अच्छा, जैसे ही कोरोना का जो एंटीबॉडी होगा मेरे ब्लड में जाएगा तो आई वुड बी डेफिनेटली इम्यून, कोरोना रेजिस्टेंट हो जाऊंगा, मैं कोरोना से इम्यून हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो इम्यूनिटी है जिसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं करे, इम्यून सिस्टम काम करने का मतलब हमारे शरीर में जब दो तरह से इम्यूनिटी आ सकती है, एक हमारे शरीर में एंटीजन जाता है, एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा आइडेंटिफाई होता है, आइडेंटिफाई होने के बाद में हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसे पहचान कर उसके खिलाफ सेल्स को एक्टिवेट करता है, और ये जो सेल्स हैं बी सेल्स जो हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये उसको स्पेसिफिकली पहचानती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का भिड़ंत हुआ और भिड़ंत से इम्यूनिटी मिली। लेकिन अगर बिना भिड़ंत की इम्यूनिटी मिले तो बिना भिड़ंत की इम्यूनिटी कैसे मिल सकती है? सीधा सीधा आपको एंटीबॉडी दे दे, कोई एंटीजन ना डाले। जैसे एक और उदाहरण आप बताता हूँ, जब हमको टिटनेस का टीका लगाया जाता है, मान लो आप खेल रहे हैं कहीं और आपको कोई जो जंग खाए हुआ आयरन है उससे कोई चोट लग गई, तो कोई भी आपको सजेस्ट करेगा कि टिटनेस का टीका लगवाइए। अब देखिए, टिटनेस का जो टीका है उसमें ये नहीं होता कि टिटनेस के बैक्टीरिया आपको दिए जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, टिटनेस का टॉक्सॉइड दिया जाता है। टिटनेस का टॉक्सॉइड कैसे बनाता है? वो टिटनेस के जो बैक्टीरिया हैं जो कि टिटनेस के टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, टिटनेस का टॉक्सिन घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है, और टिटनेस के टॉक्सिन को जब बहुत कम मात्रा में घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है तो उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में टिटनेस के टॉक्सिन के खिलाफ एंटी टॉक्सिन यानी टिटनेस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिल जाती है। ये एंटीबॉडी घोड़े के ब्लड को वापस निकाल के उसमें से एंटीबॉडी निकाल देते हैं, और एंटीबॉडी निकालने के बाद उस एंटीबॉडी को वायल में पैक करके देते हैं, उसे हम बोलते हैं टिटनेस का टीका। अभी जो टिटनेस का टीका है ये एंटीबॉडी है, ये एंटीजन नहीं है। तो जब हमें चोट लगती है तो हम जब टिटनेस का टीका लगाते हैं तो हम हमारे ब्लड में केवल टिटनेस का टॉक्सॉइड यानी टिटनेस का एंटी सीरम यानी टिटनेस की एंटीबॉडी सीधे सीधे डाली जाती है, हमारे शरीर में कभी भी एंटीजन नहीं डाली जाती। इसीलिए कभी टिटनेस का टीका लगाने के बाद बुखार नहीं आती, बिकॉज कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। देखिए, अभी कोरोना काल में भी चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक बंदा बहुत ही डाइंग स्टेज में है, कोरोना बहुत ज़बरदस्त फैल चुका है, तो उसमें क्या करते हैं कि साहब बी प्लस वाला कोई बंदा है तो उसे प्लाज्मा की ज़रूरत है। तो मान लीजिए मैं बी प्लस का था, मुझे कोरोना हुआ, मैं ठीक हो गया, तो मैं ठीक क्यों हुआ? बिकॉज मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई। तो ये मानते हुए कि मेरी बॉडी में चूंकि एंटीबॉडी बन चुकी है कोरोना के खिलाफ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरा ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। तो मेरा जब पहले वो ब्लड निकालेंगे, ब्लड में से सेंट्रीफ्यूज करके मेरी जो सेल्स हैं मेरी बॉडी में वापस डाल देंगे और प्लाज्मा निकाल लेंगे। प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी। ये जो प्लाज्मा जिसे हम कन्वलसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, ये प्लाज्मा उस पेशेंट को इंजेक्ट किया जाएगा ब्लड में, और जैसे ही उसके ब्लड में ये प्लाज्मा जाएगा जिसमें मेरे शरीर में बनी हुई एंटीबॉडीज हैं, वो उसके शरीर के अंदर बहुत ही जादुई प्रभाव दिखाएगी और उसके ब्लड के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर जो कोरोना फैल रहा है उन सबको रोक लेगी और उसे मरते हुए को बचा लेगी, ठीक है। याद रखिए, इसी एग्जाम्पल को मैं बाद में फिर जब ह्यूमरल इम्यूनिटी समझाऊंगा तो फिर आएगा। तो यहाँ पर उस बंदे को जो भी इम्यूनिटी मिली है वो पैसिव इम्यूनिटी है, उसके अंदर मेरे शरीर में बनी हुई एंटीबॉडीज हैं वो वहाँ पर काम कर रही है, तो दिस इज पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में जैसा कि मैंने कहा कि या तो मैं वैक्सीनेशन करवा लूँ तो मेरी बॉडी में कोरोना वायरस गया तो कोरोना वायरस एज एंटीजन हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, भिड़ंत होगी तो इन्फ्लामेशन होगा, इसीलिए इंजेक्शन लगाने के बाद में बुखार चढ़ती है, एक दो दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, तो एक बड़ा नॉर्मल है। कोई भी दुनिया की कोई भी वैक्सीन हो, बुखार चढ़ती है। बच्चे को भी जब टीका लगता है तो हम डॉक्टर कहते हैं कि ध्यान रखना इसको बुखार आए, तो बुखार आने का मतलब अच्छा साइन है। तो इम्यूनिटी में यहाँ पर भी एक अच्छा साइन है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अभी इस इम्यूनिटी के लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि जब भी आपका मौका आए, 1 तारीख के बाद सभी को वैक्सीन लगनी, तो पूरे भारत से इस पूरी डिजीज़ को मिटाने के लिए आप खुशी खुशी जाइए और एकदम आगे होकर के वैक्सीन लगाइए, ताकि आप भी बचें और आपके थ्रू जो लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं वो भी बचे, चेन टूटे और हम इस बड़ी महामारी से मुक्ति पाएं। खैर, एक्टिव इम्यूनिटी मैंने कहा एक्टिवली एक्सपोज होने से आती है। अब एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरह की इम्यूनिटी दो तरह से बन सकती है, नेचुरली और आर्टिफिशियली। नेचुरली और आर्टिफिशियली ये क्या होती है, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है। समझ में आ गए? मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर है।
थोड़ा सा इननेट और अडेप्टिव को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ कि इननेट और अडेप्टिव मेन है, इसी के सब ब्रांचेज है बाकी इम्यूनिटीज, राइट। तो इसको और करते हैं, अब थोड़ा सा इसमें और क्लैरिटी लाते हैं। देखिए इननेट के बारे में बात कर रहे थे हम, एनाटॉमिकल बैरियर, तो पहले कौन से हैं, फिजिकल बैरियर्स, शारीरिक बैरियर्स, जैसे कि स्किन, जैसे कि कफ रिफ्लेक्स। जब भी हमारा कोई पैथोजन अंदर चला जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें अचानक खांसने का रिफ्लेक्स आता है, जिससे क्या होता है, खांसी से वो जो चीज़ है बार बार खांसने से क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। टीयर्स, हमारे आंखों के थ्रू अगर कोई जाना चाहे, आंखों में लाइसोजाइम है आंसुओं में, हमारे मुंह से लेकर के एकदम पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक में म्यूकोसा है, म्यूकोसा क्या करेगी, उनको पकड़ लेगी, पैथोजेंस को पकड़ लेगी। हमारे स्टमक में एसिड है, ठीक है। तो ये सारे इननेट इम्यूनिटी के बारे में जन्म से ही हमारे पास है, बाद में नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्किन हम पैदा होने के बाद में आई है, जन्म से ही है। तो जन्म से ही हमारे आंख में आंसू, मुंह में लार, आंत में म्यूकोसा, स्टमक में जो एसिड है, स्किन जो है, ये जन्म से ही हमें प्रतिरक्षा दे रहे हैं। फेगोसाइट, मोनो फेगोसाइट्स कौन कौन सी, कुछ फेगोसाइट्स हैं जो नॉन स्पेसिफिक। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज और बात करूंगा, हमने पहले ऊपर एक चर्चा की है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसी को मैं इसी में इंक्लूड करना चाहूंगा, तो ध्यान से समझिएगा। दूसरी अब ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, जिसको हमने ऊपर कहा विशिष्ट इम्यूनिटी, विशिष्ट का इम्यूनिटी का मतलब क्या है, कि कोई भी ऐसी इम्यूनिटी जो किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ विशिष्ट रूप से मिली हो, जैसे मैंने उसको पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर मैं कोरोना वायरस का टीका लगा रहा हूं तो मुझे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी मिली है, मुझे अगर पोलियो का टीका लगेगा तो पोलियो के खिलाफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक पोलियो को टीका लगा लिया, फिर कोरोना का लगा लिया तो दुनिया भर के तमाम वायरस के खिलाफ में सुरक्षित हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर टिटनेस के खिलाफ टीका है तो वो टिटनेस के खिलाफ ही देगा, सही है ना। तो विशिष्ट का मतलब है किसी विशिष्ट रोग के प्रति, नॉन स्पेसिफिक का मतलब है वो सभी के खिलाफ हो, कॉमन हो, इसे हम जनरल भी बोल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक। तो देखिए मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, क्या स्किन किसी एक पर्टिकुलर वायरस या एक बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकता है? नहीं। क्या हमारी आंखों के अंदर जो आंसू है, आंसू में जो लाइसोजाइम एंजाइम है, क्या कोई पर्टिकुलर एक वायरस को, पांच वायरस को या फिर दो तीन तरह के खास बैक्टीरिया के खिलाफ हम इम्यूनिटी देता है? नहीं, तमाम तरह के वायरस या बैक्टीरिया को वो मारकर कोशिश करता है अपनी तरह से, सभी के खिलाफ सामान्य। क्या म्यूकोसा की लेयर कोई पर्टिकुलर, हमारी जो आंत के अंदर जो म्यूकोसा की लेयर है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो उनको ट्रैप करने का काम करती है, पकड़ने का काम करती है, हमारे जो स्टमक के एसिड्स हैं, चाहे हमारे फूड के माध्यम से हम किसी भी तरह का कोई पैथोजन आ जाए, वो वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, सभी के खिलाफ एक सार एक जैसा काम करते हैं। तो ये जो इननेट इम्यूनिटी होती है, मोस्टली जो इननेट इम्यूनिटी है, तो मैं यहाँ पे कोरिलेशन बिठा रहा हूँ, अभी तक तुमने अलग अलग पढ़ा, ये कौन सी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। सामान्यतया ये इननेट इम्यूनिटी, सामान्यतया, नॉट ऑलवेज, सामान्यतया ये नॉन स्पेसिफिक होती है, बिकॉज जन्म से ही हमें ईश्वर ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं, जैसे हमने फिजिकल बैरियर की बात की, या फिर हमारे शरीर में फेगोसाइटिक सेल है, मोनोसाइट हैं, मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल हैं, नेचुरल किलर सेल हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये सेल्स किसी को खास को, ऐसा नहीं कि किसी को पकड़ के खाती हैं किसी को नहीं खाती, ये सभी तरह के पैथोजेंस के खिलाफ एक ही तरह का काम करती है, अनबायस्ड हैं, सभी के खिलाफ काम करती हैं, इसलिए नॉन स्पेसिफिक। लेकिन इसके अलर्ट जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, अडेप्टिव हमने कहा ना, अडेप्टिव इम्यूनिटी जो बाद में आती है, तो बाद में कब आएंगी, जब एक्सपोज होंगे हम जब किसी रोग के प्रति, तो जब हम एक्सपोज होते हैं, तो जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन आता है, जैसे कि मान लो कोरोना, अगर जब हमारे शरीर में जब कोरोना आएगा या फिर कोई और वायरस आएगा, तो हमारी हमारे पास दो तरह की सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी हैं, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट डिवाइड होती हैं जब एंटीजन आता है, तो पहली क्लोनल सेल बनाती है और बाकी कुछ मेमोरी सेल्स बनाती है। इसी तरह से टी सेल्स हैं, वो डिवाइड होकर के टी सेल्स बनाती हैं, टी सप्रेसर बनाती हैं और साइटोटॉक्सिक तरह की सेल्स बनाती हैं। तो टी, ये जो टी लिम्फोसाइट है, ये तीन तरह की कोशिकाएँ बना रही हैं, बी लिम्फोसाइट दो तरह की कोशिकाएं बना रही हैं। लेकिन खास बात क्या है कि बी लिम्फोसाइट जो एक्टिवेट होने के बाद उसने एंटीबॉडी दी है, वो केवल उसी रोग के प्रति, उसी पैथोजन के खिलाफ, यानी जिस एंटीजन के एक्सपोजर से, जिस एंटीजन के खिलाफ उद्दीपित होकर के जिस बी टी सेल और टी सेल ने अपनी इम्यूनिटी हमें दी है, वो बहुत ही क्या है, स्पेसिफिक। तो अडेप्टिव मोस्टली क्या होती है, स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का अगेन तात्पर्य वही है कि अगर हमारी बॉडी में कोरोना का एंटीजन गया है और हमारी बॉडी में अगर
एक बी सेल प्रिपेयर हुई है जो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है, तो केवल कोरोना के खिलाफ ही, तो ये स्पेसिफिक होती है, अडेप्टिव है वो स्पेसिफिक, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा आपको और समझ में आएगा, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी भी होती है और पैसिव होती है। और एक्टिव में हमने कहा कि एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जिसमें हमारी बॉडी में एंटीजन जाता हो, ठीक है, क्या जाता हो, एंटीजन जाता हो। एंटीजन जाने पर हमारी बॉडी में क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि एंटीजन गया उससे एंटीबॉडी बनी, तो इसलिए क्या है, एक्टिव प्रोसेस। पैसिव में हमने क्या कहा कि कोई एंटीजन एंटीजन नहीं है, सीधे सीधे क्या मिलती है हमें, एंटीबॉडीज मिलती हैं, इम्यूनिटी सीधे सीधे एंटीबॉडी के रूप में मिल जाती है। चलिए अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये दो तरह की है, कैसे, अगर ये जो एंटीबॉडीज हैं, जैसे कि मैंने कहा एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी में ये हमने पहले भी बात की कि जैसे मान लीजिए कि मेरे शरीर में मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे पता नहीं कब मुझे कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, मुझे माइल्ड से सिम्टम आए और मैं ठीक हो गया। मैंने जब ब्लड चेक कराया, मैंने जब एंटीबॉडी टेस्ट कराया, तो व्हाट आई फाउंड कि मेरी बॉडी में तो कोरोना के खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं। तो क्या मैंने वैक्सीनेशन करवाया, नहीं। तो ये कैसे हुआ, ये नेचुरली थ्रू इन्फेक्शन मुझे मिला, यानी जब मैं एक्सपोज हुआ वातावरण में, तो वातावरण में विभिन्न कारकों से, विभिन्न कारकों का मतलब यहाँ वायरस भी हैं, यहाँ बैक्टीरिया भी हैं, जैसे हम मिट्टी में खेलते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, या फिर वातावरण में जब हम यहाँ कहीं से पानी पीते हैं, कहीं से फूड खाते हैं, तो उस पानी फूड के कंटेमिनेशन से बहुत सारे पैथोजन हमारी बॉडी में आते हैं। तो दिन भर में हमारी बॉडी में बहुत सारे पैथोजन जाने अनजाने में पहुँचते हैं, ये जो जाने अनजाने में पहुँच रहे हैं, जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एज एन एंटीजन तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारी इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ काम करेगा और उनके खिलाफ इम्यूनिटी बना देगा, एंटीबॉडी बनाएगा, और हम, हमारे अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो एवरी टाइम हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगा और हमें उनके खिलाफ प्रतिरक्षा मिलती रहेगी। तो नेचुरल, अगर आर्टिफिशियल का मतलब अगर मुझे डेलिबरेटली वैक्सीनेशन करवाना पड़े, ठीक है, जैसे कि पोलियो, जैसे कि हेपेटाइटिस, जितने भी तमाम तरह के वैक्सीन हमें बच्चों से लेकर के बूढ़े तक लगते हैं, वो सारे तरह के आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन। अब बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है कि वैक्सीनेशन किस प्रकार की प्रतिरक्षा है, तो पहली बात तो वैक्सीनेशन है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, बिकॉज वैक्सीन में एंटीजन दी जाती है। किस फॉर्म में दी जाती है, जैसे कोई, जैसे अगर हम बात करें कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन में तो पूरा का पूरा साक्षात कोरोना है। अगर कोविशील्ड की बात करें तो उसमें खाली कोरोना का mRNA है, ठीक है। तो किस फॉर्म में दी जाती है वो एक अलग बात है, लेकिन दी जाती है एंटीबॉडी में, सॉरी एंटीजन दिया जाता है। तो एंटीजन दिया जाएगा, तो वैक्सीनेशन ध्यान रखिए हमेशा एक आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल। चलिए इसी तरह से पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह से मिल सकती है। अब आप कहोगे सर पैसिव तो है, तो पैसिव तो कैसे मिल सकती है दो तरह से, एंड नेचुरली कैसे मिल सकती है, हमने बात की पहले ही, जैसे मैंने कहा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर वैक्सीन, अगर कोरोना हुआ या फिर कोरोना की उसने वैक्सीन लगाई, तो उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज हैं वो फिटस को मिल गई, फिटस को जोर आया, नहीं आया, फिटस को क्या मिली, एंटीबॉडी मिली। पहली बात तो फिटस को क्या जोर आया, कैसे डिसाइड करेंगे, क्या फिटस को एंटीजन मिला, नहीं मिला, क्या मिला, एंटीबॉडी, तो सीधी सीधी बात है पैसिव। फिर कैसे मिली था, मदर से मिली, कोई जोर आया, नहीं आया, इसका मतलब नेचुरली मिली, तो फिट इसको मदर के मिल्क से मिल जाए या फिर प्लेसेंटा के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट से मिलते हैं, तो उसे हम नेचुरल बोलते हैं। आर्टिफिशियल है वो बाद में, जैसे कि मैंने कहा टिटनेस का एग्जांपल दिया आपको, आपको चोट लगी, आपने टिटनेस का टीका लगवाया, आपने लगवाया इसलिए, तो होपफुली आपको अभी तक ये समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर कितनी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें, इननेट हम कर चुके हैं, एक्वायर्ड हम डिटेल में कर चुके हैं, एक्टिव पैसिव कर चुके हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल कर चुके हैं, स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट में हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो जब भी हमारे शरीर में कोई एंटीजन, अब एंटीजन क्या हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया, यहाँ पर मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ कोरोना वायरस करंट प्रोस्पेक्ट में। तो जब भी एंटीजन हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, ठीक है, ये हम इतना ही जानते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, वास्तव में क्या है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। जब एंटीजन जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में दो तरह की सेल्स हैं इस एंटीजन को लेती हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात करते हैं, सबसे पहले टी हेल्पर सेल है, इस एंटीजन को लेती है। टी हेल्पर सेल है वो क्या करती है, एक तरफ बी सेल को एक्टिवेट करती है, एक तरफ टी सेल को एक्टिवेट करती है। बी सेल्स जो हैं एक्टिवेट होकर के
क्या बनाती हैं, बी सेल जब एक्टिवेट हो जाएंगी तो उसके खिलाफ उसके सतह पर एंटीबॉडी बनेगी और फाइनली ये जो है बी सेल एंटीबॉडी सीक्रेट करती है, ठीक है। इसी तरह से टी सेल्स क्या करती हैं, टी किलर सेल बनाती हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, इस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी टी साइटोटॉक्सिक, ये कमांडो की तरह मान लो आप, जिस तरह से आर्मी के कमांडो है ना, यानी ये जो टी सेल थी, टी सी थी, ये अब एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होकर के उसने क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया। और डिवाइड होने पर अपने जैसी बहुत सारी टी किलर सेल्स हैं, दे आर ऑल रेडी। अब कैसे पता आपको ये रेडी है, देखिए इसकी सरफेस पे क्या आ गए, इसके खिलाफ रिसेप्टर्स आ गए, तो सामने वो ये उसी एंटीजन को ढूंढ रही है, यहाँ पर ये क्या सीक्रेट कर रही है, एंटीबॉडी। तो देखिए सीधी सी बात है, दो तरह की इम्यूनिटी हमें मिल सकती है। इम्यूनिटी का जो लास्ट जो सेक्शन था, हमने कहा एक इम्यूनिटी ऐसी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी थी, दूसरी इम्यूनिटी ऐसी जो कि सेल मीडिएटेड है, सेल मीडिएटेड, जिसमें सेल ने मीडिएशन किया, फिर सेलुलर इम्यूनिटी। इसके बारे में अब थोड़ा सा वैक्सीन का इतिहास, मैंने एक और वीडियो बनाया वैक्सीन की हिस्ट्री के बारे में, आप ज़रूर उसे देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप उसे भी देखिए, आपको थोड़ा सा और क्लियर। देखिए ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल में हमने भी पहले भी कहा कि ह्यूमर का मतलब क्या है, लिक्विड। तो शरीर की या फिर कोई भी ऐसी इम्यूनिटी जो हमें लिक्विड के माध्यम से प्राप्त हो, यानी हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसी इम्यूनिटी जिसमें लिक्विड सीक्रेट हो, और लिक्विड का मतलब एक ही है यहाँ पे, एंटीबॉडीज। ठीक है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीबॉडीज नहीं, सेल्स कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कोरोना जो पॉजिटिव बंदा है और बहुत सीवियर कंडीशन में है, उसको अगर उसकी बॉडी में बहुत सारी ड्रग्स हमने लगा के देख ली, रेमडेसिविर और बाकी सारी जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं हमने सभी लगा के देख ली, लेकिन उसकी बॉडी में लंग्स में डैमेज बढ़ता ही जा रहा, तो एट द लास्ट रिसॉर्ट डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसको प्लाज्मा थेरेपी करनी पड़ेगी। अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी में क्या हो रहा है, प्लाज्मा थेरेपी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लाज्मा, उसने कहा कि साहब इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। उन्होंने बोला कि कोई बी पॉजिटिव बंदा है जो इम्यूनिटी कोरोना से रिकवर हुआ है, तो आप उसे प्लाज्मा दान कीजिए। मैंने कहा कि साहब मेरा है, मैंने जब मेरा ब्लड उसे दिया, मेरे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसे निकाल लिया जाएगा और उसको चढ़ाया जाएगा। अब ये जो चढ़ाया गया, ये जो इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो रही है, ये अब आप समझिए इस बात को कि ब्लड में दो कंपोनेंट है, एक सेल कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट है। प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, लिक्विड कंपोनेंट निकाला, सेल वापस मेरे ब्लड में डाल दी, और ये लिक्विड जब मैंने पेशेंट को दिया तो पेशेंट रिकवर हो गया। अब यहाँ पर ये जो इम्यूनिटी है ये किससे मिल रही है, लिक्विड से मिल रही है, यानी एंटीबॉडी से मिल रही है। इसीलिए यहाँ पर ये किस तरह की इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी है, यानी कोरोना के खिलाफ जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है वो क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी मिल रही है। ठीक है, तो इसकी खोज कैसे हुई, इसकी खोज ऐसे हुई कि जब एक पैथोजन के खिलाफ किसी एक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट किया गया, ठीक है, और उसी रोगाणु से कोई दूसरे पैथोजन, उसे दूसरे बंदे को जब इम्यून इन्फेक्ट किया गया, तो ये देखा गया कि जो पहला बंदा है जिसको इन्फेक्ट किया गया, उसका ब्लड का अगर लिक्विड पोर्शन, उसका ब्लड निकाला, उसे सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने से ऊपर का जो लिक्विड है उसे अगर हम किसी दूसरे इन्फेक्टेड बंदे में अगर डाल दें, तो उसके अंदर भी वो इम्यूनिटी का वो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी इम्यूनिटी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू लिक्विड पोर्शन। तो इसलिए ये माना गया कि यस, इम्यूनिटी इस लिक्विड वाले भाग में है। शुरुआती बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब इसकी खोज हुई थी तो उस वक्त इस इम्यूनिटी का नाम, जो कि किसी लिक्विड की ट्रांसफर की वजह से अगर एक बंदे से दूसरे बंदे में जा सकती है, तो उसे बोला गया ह्यूमरल। ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट ने फिर और थोड़ा सा डिस्कवर किया, तो कईयों ने साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या इन सेल्स के पास नहीं, तो जैसे टीबी के केस में, टीबी के केस में जो प्रोटेक्शन है वो हमें सेल्स देती हैं, टी किलर सेल्स देती हैं, तो ऐसे में अगर कोई बंदा टीबी से इन्फेक्टेड है, राइट, तो उसका एंटीबॉडीज या फिर उसका सीरम को ट्रांसफर करके हम इम्यूनिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हुए। तो बाद में जब एक्सपेरिमेंट हुए तो ये देखा गया कि कुछ रोगों के प्रति इम्यूनिटी जो है वो ब्लड के लिक्विड पोर्शन की बजाय ब्लड की सेल्स को ट्रांसफर करने पर भी इम्यूनिटी प्राप्त हो सकती है, तो उस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी, जिसमें सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे हिसाब से हमने काफ़ी कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया। मैं एक बहुत जल्दी से सम अप कर देता हूँ, इननेट इम्यूनिटी हमें जन्म से मिलती है,
और इनेट इम्यूनिटी है वो मोस्टली नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम बाद में पैदा होने के बाद प्राप्त करते हैं, और पैदा होने के बाद ये जो इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं ये सामान्यतया स्पेसिफिक ही होती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी। पैसिव कब होगी? जब हमें सीधे सीधे एंटीबॉडी मिले, अरे हमारे इम्यून सिस्टम को जोर ना आए। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे इम्यून सिस्टम को जोर आएगा। अच्छा, ये जो पैसिव है इसके साथ साथ अब दो तरीके हैं प्राप्त करने के। अगर नेचुरली एक्सपोजर से मिल जाए, हमें पता ही नहीं चले नेचुरली, तो ये नेचुरल है। अगर वैक्सीनेशन और किसी हम डेलिबरेटली अगर किसी तरह से हमारे चाहे वो पैथोजन हो चाहे वो प्लाज्मा हो उसको अगर हम डालें तो उसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। और एट लास्ट नॉट द लीस्ट, ह्यूमरल लिक्विड द्वारा और सेल मेडिएटेड सेल्स के द्वारा जब होती है तो इसे हम बोलते हैं सेलुलर इम्यूनिटी। तो एक छोटा सा एफर्ट था जिसमें ये तमाम तरह के जो वर्ड्स हैं, हालांकि ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सारे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, तो उसको समझाने का एक एफर्ट था। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो मोटिवेट करने के लिए आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट करें। अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए और अपने आसपास के लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए मदद कीजिए, और उनके मन में अगर कोई भ्रांति है तो उसे भी दूर कीजिए। धन्यवाद।